तीन भूतिया चिड़िया की आत्मा नदी में एक नाव में बैठकर नाव चला रही थी। तभी एक उड़ता हुआ रॉकेट भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पास आता है और वो जोर से फट जाता है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का पंख जल जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें हंसती हैं। तुम दोनों मुझ पर हंसना बंद करोगी या नहीं? एक तो पता नहीं किसने मेरे पंखों में आग लगा दी, छोड़ूंगी नहीं उसको। कहां से आया ये रॉकेट? अरे याददाश्त कमजोर है क्या तेरी? तुझे नहीं पता दिवाली का समय है तो बम पटाखे फोड़ना तो लाजमी है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे लाजमी की बच्ची, जिसने भी मेरे पंखों का ये हाल किया है, छोड़ूंगी नहीं उसे, जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर वो तीनों बहनें बहुत सारे बम पटाखे लेकर आती है और रात में सबके सो जाने के बाद गांव के पक्षी के घर के बाहर बम पटाखे फोड़ती है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। मजा आ गया, देखा ना मैंने कैसे अपने पंख जलाने वाले के साथ साथ सभी पक्षियों से बदला ले लिया। चलो हम भूतिया लोग चलते हैं, वहाँ अपनी बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। फिर तीनों भूतिया बहनें अनार बम फूल जड़ी और बाकी के पटाखे जलाकर मजे करने लगती हैं। फिर उनके दो भूतिया दोस्त वहाँ आते हैं। और मेरे बचपन की दोस्त, तुम्हारी दिवाली कैसी जा रही है? अरे अभी कैसी हमारी दिवाली जाएगी, अभी तो माहौल जमना शुरू हुआ है, दो चार पटाखे ही फोड़े हैं, अभी तो रंगोली भी बनानी बाकी है। मैं स्कूल में रंगोली के अंदर फर्स्ट आती थी, अभी तू देखियो मैं क्या करती हूँ। जानता है ना, ये स्कूल में कैसी गटर जैसी दिवाली की रंगोली बनाती थी, लेकिन एक मौका और दे देते हैं, क्या जाता है? बहुत बोल रही हूँ ना तुम दोनों, ऐसी रंगोली बनाऊंगी कि तुम दोनों का मुंह ही बंद हो जाएगा। ये बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रंगोली बनाती है, जिसे देखते ही भूतिया कालू कौवे की आत्मा कहता है, अब ये किसने गोबर कर दिया, रंगोली नहीं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चार कलर के डिब्बे गिरा दिए हैं। ये कहते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे कालू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा मजाक उड़ाएगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तुझे तेरी नानी याद नहीं दिलवाई तो मेरा नाम भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा नहीं। ये कहकर वो उस पर वार कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे टूनी माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी दोबारा तेरी रंगोली का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तू जानती है, तू हम सब भूतिया पक्षियों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, तेरी शक्तियों के आगे हम सब कमजोर हैं, और आज वैसे भी दिवाली है, छोड़ दे। अच्छा ठीक है, आज तो तुझे छोड़ रही हूँ, नहीं तो तेरा कचूमर बना देती। और हाँ, तूने सही कहा, आज दिवाली है, ये सब त्योहार हम सबको खुशी खुशी एक साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बहन भूतिया टुन टुनी चिड़िया की आत्मा कहती है, हाँ दीदी, ये सब छोड़ो, चलो ना एक साथ दिवाली मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। और तुम्हें पता है ना, मैं आज बहुत सारी मिठाइयाँ भी लाई हूँ, और आप सबको हैप्पी दिवाली। ये कह रहे हैं कि भूतिया पक्षी एक साथ खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। रामपुर गांव में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें परेशान करता था। एक दिन वो तोताराम सरपंच के पास जाता है। अरे कालू, तुम अचानक यहाँ कैसे, कोई समस्या है क्या? सरपंच जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास खेत ना होने के कारण मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आप मुझे खेत उधार दे दे तो आपका बहुत आभार होगा। यदि ऐसी बात है तो तुम मेरे खेत में खेती कर सकते हो, पर जरूरत पर मुझे खेत वापस कर देना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं, ऐसा कौन है जिसके पास शब्द बहुत है लेकिन बोलता नहीं। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन से खेती करना शुरू करता है। सुबह से शाम तक खेती करते करते वो बहुत थक जाता है।
रोज इतना सारा काम करके तो मैं बहुत जल्दी कमजोर हो जाऊंगा। मुझे अपना काम कराने के लिए कुछ मजदूर ढूंढने होंगे, पर बिना पैसों के काम करवाऊंगा कैसे। तभी कालू कौवा दूसरे गांव से दो पति पत्नी को मजदूरी के लिए अपने खेत पर लाता है। टुनटुनी चिड़िया और उसका पति खूब मेहनत से काम किया करते हैं। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। मालिक, 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अब आप हमारा हिसाब कर दीजिए। अरे मैं तो तुम दोनों को जानता ही नहीं, कौन हो तुम लोग? मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों ने दिन रात आपके खेतों में काम किया है और आप हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, पर मेरे पास तो खेत ही नहीं है, फिर तुम दोनों ने काम कहाँ किया? चलो जी, यहाँ से चलते हैं, इसका हिसाब भगवान करेंगे। उसी रात कालू के सपने में भगवान आते हैं। तुम बहुत ही मतलबी और बुरे काम करने वाले पक्षी हो, इसलिए मैं तुम्हारे आंगन में एक आम का पेड़ लगाकर जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन के दिन और कर्म जोड़े होंगे। तुम जब कभी किसी के साथ गलत करोगे, उसी समय उस पेड़ के पत्ते गिरने लगेंगे। पेड़ पर जितने पत्ते बचेंगे, तुम्हारी जिंदगी में भी उतने ही दिन बचेंगे। ये कैसा सपना था, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। कालू कौवा जैसे ही बाहर निकलता है, वे देखता है कि उसके आंगन में एक आम का पेड़ है जो बहुत घना है। अरे ये पेड़ तो बहुत घना है, जब तक इसके सारे पत्ते गिरेंगे तब तक तो मैं मर भी जाऊंगा। फिर कालू कौवा रोजाना पक्षियों को परेशान करने लगता है। एक दिन तोताराम उसके घर आता है। कालू, मैं तुमसे अपना खेत वापस लेने आया हूँ। कौन से खेत? मैंने तो आपसे कोई खेत नहीं लिए, आप बुढ़ापे में सटिया गए हैं। सटिया, आपने मुझे कोई खेत नहीं दिया, अब आप यहाँ से जाइए। ये कहकर वो तोताराम को वहाँ से भगा देता है। तभी उसकी नज़र आम के पेड़ पर पड़ती है, उस पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। ये देखकर वो घबरा जाता है। मैंने अपने पूरे जीवन में बस लोभ लालच ही किया है, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। कम से कम आज तो मैं अच्छे काम जरूर करूंगा, मरने से पहले किसी का तो भला करूं। कालू कौवा तोताराम के पास जाता है और उसका खेत उसे वापस कर देता है। फिर वो उन मजदूर पक्षियों के पास जाता है। नहीं, मैं तो सिर्फ तुम दोनों से माफ़ी मांगने आया हूँ, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारी मजदूरी भी अपने साथ लाया हूँ। कालू मजदूरी देकर अपने घर जाता है तो पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है। अरे इस पेड़ पर तो एक ही पत्ता बचा था, फिर अचानक इतने सारे पत्ते कैसे आ गए? जरूर भगवान ने मेरी जिंदगी के कुछ और दिन बढ़ा दिए हैं। कालू को ये बात समझ आ जाती है कि अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और उसके बाद वह गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा उसके कर्मों से ही याद किया जाता है। बहुत समय पहले एक जंगल में एक बहुत पुराना सेब का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना घर बनाकर रहती थी, जो पक्षियों की हर इच्छा पूरी किया करती थी। है भूतिया चिड़िया की आत्मा, मेरी बेबी बहुत बुरी है, वो हमेशा मुझे ताने मारती रहती है, तुम कुछ करो जिससे उसकी आवाज़ ही बंद हो जाए। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। लेकिन वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बहुत बुरी थी, वो इच्छा तो पूरी किया करती थी, लेकिन इच्छा पूरी होने पर इच्छा मांगने वाले को बहुत पछताना पड़ता था। हे भगवान, मैंने उस भूतिया चिड़िया की आत्मा से कहा था कि मेरी बीवी की आवाज़ का कुछ करे, लेकिन उसने तो मुझे ही बहरा कर दिया। जब से कोई भी पक्षी उस सेब के पेड़ पर रहने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा से मदद नहीं लेता, अब वो अकेली हो गयी थी। कोई भी पक्षी मेरे पास नहीं आता, अब मैं क्या करूं? तभी उसे वहां भूतिया कालू कौवा नजर आता है, वो उससे कहती है, कालू लगता है पक्षी मेरे बारे में भूल गए हैं, इसलिए अभी गांव जाकर पक्षियों को बताओ कि मैं कैसे उनकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। उनके यहाँ आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे सेब के पेड़ से बंधकर रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो भूत हूँ ना, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरा जादू ऐसा छाएगा, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। भूतिया चिड़िया की आत्मा के ऐसे कहते ही वो उसका रूप बदल देती है। वो हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर गांव पहुंचा। उसने देखा कि कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं, और उनके पास गया और बोला, लो भैया मिठाई खाओ। अरे तुम कौन हो और ये मिठाई क्यों बांट रहे हो?
मैं हरी तोता हूँ। पास के जंगल में मुझे सेब के पेड़ पर रहने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा मिली थी। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी एक इच्छा पूरी करेगी। फिर मैंने उसे सोने के 100 सिक्के देने को कहा और उसने जादू से मुझे सोने के 100 सिक्के दे दिए और उसी खुशी में मैं मिठाई बांट रहा हूँ। ये सुनकर सभी गांव वाले वहाँ से चले गए, लेकिन सोने के सिक्कों की बात सुनकर टुन्नू चिड़िया के मन में लालच आ गया। वो उसी रात को सेब के पेड़ की भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा को ढूंढता हुआ जंगल पहुँचा। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, बस तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो। ओहो, टुन्नू की इच्छा को तराजू में तोल, मिल जाए से मुंह बोले बोल। उसके ऐसा कहते ही टुन्नू के हाथ में 100 सोने के सिक्कों से भरी पोटली आ गई। सोने के सिक्के देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते टुन्नू, तुमने मुझसे वादा किया था और एक भूतिया चिड़िया की आत्मा को किया वादा तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। 200 साल से मैं रह रही थी, अब इस पेड़ से मैं जाऊंगी, पर जाने से पहले टुन्नू को सेब का भोग बनाऊंगी। तभी वहाँ पर गांव के पक्षी बाबा को लेकर वहाँ आते हैं और उस भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा को अपने कब्जे में कर लेता है और मंत्र पढ़कर उस पेड़ को आग लगा देता है। आग के साथ ही भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा का जलकर अंत हो जाता है।